हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी, जो कि मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम स्पीड को स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड वही है कि आपने मतलब जितनी तेजी से आपने डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट योर स्पीड। आपने कितनी तेजी से मोशन किया है, आप जितनी तेज से मोशन करेंगे आपकी स्पीड उतनी अधिक होगी। तो आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट योर स्पीड। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वही है, इसके पास स्पीड के पास क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर हम डायरेक्शन भी ऐड कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या देगा, वेलोसिटी। जैसा कि हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि आप स्कूल गए, ठीक है, आप स्कूल जाने की जो स्पीड थी आपकी वो 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि आपने 5 किलोमीटर्स, इसका मतलब आपको समझा सकता हूँ मैं, ये 5 किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किया, आपकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करने की पर आवर। ठीक है, ये आपकी स्पीड है कि मतलब एक घंटे में आप 5 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी के साथ 5 किलोमीटर पर आवर के साथ इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस हमारा ये डायरेक्शन, दैट इज व्हाट योर वेलोसिटी। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये किलोमीटर पर आवर है और कुछ और भी वैल्यूज़ होती हैं, यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मीटर पर सेकंड, ये क्या होता है, ये आपका होता है उसकी यूनिट। जो ये मीटर पर सेकंड है ये आपका ऐसा यूनिट है उसका, और किलोमीटर पर आवर ये यूनिट तो है लेकिन ये उससे बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि आप यहाँ रहते हैं और आपका दोस्त यहाँ रहता है। ठीक है, आपने कुछ यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया मोशन और आप इसके पास पहुँच गए। ठीक है, ठीक है, अगर आप पैदल गए, ठीक है, ना साइकिल से ना कुछ से किसी चीज़ से नहीं, आप यहाँ से पैदल गए, ठीक है, बाय फीट, और आपकी जाने की स्पीड क्या थी, आपने 10 किलोमीटर मान लीजिए आपका दोस्त रहता है, ठीक है, 10 किलोमीटर्स आपने एक घंटे में चला। ठीक है, आप एक घंटे में इसके घर पहुंच गए, अपने दोस्त के घर, जो 10 किलोमीटर से आपकी दूरी पर रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप साइकिल से जाएं या बाइक से जाएं तो क्या होगा, आपके स्पीड में कुछ चेंज होगा, यानी कि कहीं आप तेज चलाएंगे, कहीं आप धीरे चलाएंगे, मतलब कि जिस स्पीड से आप मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं वो आपकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, यही एवरेज स्पीड होती है। अब इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले हम एवरेज वेलोसिटी की भी बात कर लें। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स यहाँ पे हमने डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अब इसमें आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि मैं मान लेता हूँ कि 6 किलोमीटर्स। अब इस 6 किलोमीटर के दौरान जिस वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी को आप मैक्सिमम बार ट्रैवल किए हैं, जिस वेलोसिटी से आप मैक्सिमम डिस्टेंस अपना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किए हैं, वो आपकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। ये भी वही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टर्म है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर इन 4 सेकेंड्स। अब यहाँ पे मीटर्स किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, वॉट इज द एवरेज स्पीड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहाँ पे अब हमको फाइंड आउट करना होगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो हम फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर एंड देन 16 मीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट था जिसने 16 मीटर पहले 16 मीटर उसने 4 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर उसने 16 मीटर दूसरे 16 मीटर को 2 सेकंड में ट्रेवल किया, ठीक है। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 16 + 16 दैट इज़ व्हाट, 32 मीटर्स। और हमारा टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हमारा हुआ 4 + 2 दैट इज़ व्हाट, 6 सेकंड्स। अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ये तो हमारे पास आएगा एवरेज, ठीक है, जो कितना आएगा 32 मीटर्स अपॉन 6 सेकंड दैट इज़ व्हाट योर, ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड आ गई जिसकी वैल्यू होगी 16 अपॉन 3 मीटर्स पर सेकंड। जैसे कि मैंने आपको बताया है मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन सब की ये यूनिट है, ठीक है। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, अरे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ चुका है जो है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 8 किलोमीटर विद स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 10 किलोमीटर विद 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमें देखना है 2 किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट है, ये स्पीड की यूनिट है, और 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट है, यहाँ पे किलोमीटर और किलोमीटर ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर टोटल टाइम तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज, अदर वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे कि स्पीड, स्पीड यहाँ पे मैंने स्पीड नहीं लिखा है, लेकिन आपको पहचाना पड़ेगा ये यूनिट देखकर कि ये स्पीड ही है, किलोमीटर पर आवर एक स्पीड की यूनिट है, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 8 + 10 दैट इज व्हाट, 18 किलोमीटर्स, ठीक है। अब टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों डिस्टेंस को कितनी स्पीड से हमने ट्रैवल किया है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें टाइम कितना लगा है, इसमें कुछ तो टाइम लगा होगा, वो टाइम और इसका इस स्पीड को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा है उन दोनों टाइम को ऐड करेंगे, दैट इज़ व्हाट योर टोटल टाइम। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि टाइम टेकन टू ट्रैवल 8 किलोमीटर्स विथ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये टाइम में फाइंड आउट करना है, तो टाइम को हम इधर भेज सकते हैं और स्पीड को इसकी जगह पे ला सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी कितनी थी 8 किलोमीटर एंड टाइम कितना हमारा 2 किलोमीटर आवर, तो 8 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे कितना आएगा, 4 आर, मतलब कि 4 आर में आपने 8 किलोमीटर चला विथ, उसके बाद आपकी स्पीड तुरंत आ जाएगी कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सिमिलरली हम दूसरा भी टाइम टेकन हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे जो कि कितना होगा, 2 आर्स, ठीक है। अब हमारा जो आ गया है, अब हमको कुछ करना नहीं है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम कितना है, 4 आर + 2 आवर्स यानी कि 6 आवर्स। अब हमारे पास, अब इसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड हमारी क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 18 किलोमीटर अपॉन 4 + 2 = 6 आर, हमारे पास कितना आएगा, 3 किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पे, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ रिलेशन है, तो अब यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ना, तो डिस्टेंस इक्वल
या तो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 18 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम वही 6 आवर्स, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसी क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। अब हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि अगर हम मान लें कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब कि शुरुआत में हमारी वेलोसिटी जो थी वो यू थी, और फाइनल जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारे पास वी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यही डिफाइन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपकी कितनी तेज चेंज हो रही है, यही आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। अब अगली क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, तब तक हम रिवाइज कर लें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा स्पीड क्या होती है, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।